उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, जो आपका 2021-22 में होने वाला है पेपर, उससे संबंधित जो कि साइंस विषय के लिए है, क्लास टेंथ के लिए है, इसी को बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आपको पता है पूर्णांक 70 नंबर का है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। खंड का जो कि फिजिक्स का खंड है, वो हम लोग पूरा जो है इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हल कर चुके हैं, और यहाँ पर जो है हमें खंड खा आज स्टार्ट करना था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनके भी वीडियो डले हुए हैं क्लास टेंथ बोर्ड एवं मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट में। और साथ ही बच्चों इसके फिजिक्स का जो पेपर हम लोगों ने हल किया है उसको भी हम उसका भी वीडियो डला हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो तुरंत जाइए देखिए और निश्चित रूप से इन प्रश्नों को कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको बोर्ड के द्वारा जो है वो मॉडल पेपर के अंतर्गत रखा गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने खंड खा की ओर। खंड खा बच्चों जो होगा आपका वो रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न इसमें आएंगे। यहाँ पर जो है पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय होगा, सारे जितने खंड होंगे उनका सभी प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी खंड आपको करना है वो सबसे पहले जो है खंड का करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी खंड आप कर रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन जो है वो सही सही उसका क्रमांक डालते हुए क्रम से करने हैं, मतलब एक खंड के सारे क्वेश्चन एक साथ करने हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। अब चलते हैं अपने खंड खा में प्रश्न नंबर 5 का की ओर, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है कि ZN प्लस CuSO4 जो है वो जब उसकी अभिक्रिया होती है तो ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए बच्चों ZN जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, यानी विस्थापन की अभिक्रिया है। सेकंड वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, विस्थापन की अभिक्रिया जो है ये प्रदर्शित कर रहा है, तो सेकंड वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यहाँ पर जल की कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है, सेकंड नंबर का विकल्प इसका सही होगा बच्चों। तो यहाँ पर सेकंड जो है सही होगा। इसके बाद गप जो विकल्प दिया गया है उसमें से निम्न में से किस यौगिक में OH, यहाँ ध्यान दीजिएगा OH एक क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पर OH जो क्रियात्मक समूह है वो ब्यूटेनॉल का है, सेकेंड ऑप्शन इसका भी सही है। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है, तो इसके बच्चों एक एक नंबर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर से हल कर लीजिएगा, आप एक बार देखेंगे वीडियो आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप तो याद ही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। यहाँ पर छठवां प्रश्न है आपका का, छठवां प्रश्न भी जो है बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी छठवें प्रश्न के प्रश्न आएंगे वो सारे जो है दो दो नंबर के प्रश्न होंगे, और यहाँ पर देखिए नंबर का डिवाइडेशन भी किया गया, अगर उससे दो प्रश्न पूछे गए हैं तो एक एक नंबर दिया गया है। बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर जो है जो बहुत बड़ा इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि एक ही एक नंबर के आंसर है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर के आपको इस अभिक्रिया को समझाना है। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा बच्चों, यहाँ पर बच्चों लिखिएगा कि वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं उन सभी क्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसे ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया भी कहा जाता है, तो इसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होगा। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी देना आपको, दो लाइन का ही आपका डेफिनेशन होगा, ये आप लिख दीजिएगा। एक एक नंबर जो है इसमें, एक नंबर इसका परिभाषा का है, दूसरा नंबर उदाहरण का है। तो यहाँ पर देखिए Cu प्लस 2 प्लस प्लस ZN के साथ में अभिक्रिया करेगा तो Cu बन जाएगा और ZN जो है आयन के रूप में जो है अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस जो ये अभिक्रिया हो रही है इसमें Cu कॉपर प्लस जो है का जो है कॉपर प्लस आयन का जो है वो कॉपर में अपचयन हो जा रहा है, और ZN का जो है ZN 2 प्लस में ऑक्सीकरण हो रहा है। अतः अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और अपचयन की अभिक्रिया दोनों एक साथ संपन्न हो रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल में ये दिखा दीजिएगा। अब यहाँ पर आपका बच्चों नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बेकिंग सोडा जो है वो बनाने की विधि और उसका उपयोग लिखना है। तो बनाने की विधि के लिए एक नंबर निर्धारित है और उसका उपयोग लिखने के लिए भी एक नंबर निर्धारित है। बच्चों ये वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, मगर ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। तो वीडियो जरूर लंबा हो सकता है मगर ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए बढ़ते हैं सेकंड खा प्रश्न की ओर, बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसके उपयोग के बारे में।
तो यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो यहाँ पर जब अमोनिया सोडा विधि में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो माध्यमिक यौगिक के रूप में मिलता है। तो यहाँ देखिए इसमें जो है NH4HCO3 की क्रिया जो है NaCl के साथ में अभिक्रिया कराई जा रही है, तो NaHCO3 बन रहा है और NH4Cl जो है वो अलग से जो है हो जा रहा है। फिर उसके बाद बच्चों सोडियम जो कार्बोनेट विलयन में CO2 गैस जो है प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ही क्या कहलाता है, आपका बेकिंग सोडा कहलाता है। तो यहाँ पर जो है इसको बनाने की विधि जो है ये इसके एक नंबर है, तो ये दोनों आपको इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी, साथ ही उसके बारे में लिखना पड़ेगा। इसके बाद प्रश्न में भी पूछा गया है कि इसका उपयोग भी आपको लिखना है कि इसका क्या उपयोग है। तो यहाँ देखिए बच्चों उपयोग लिखने के लिए जो है यहाँ पर जो इसका उपयोग है जो बेकिंग सोडा का, तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों पेट की अम्लीयता को कम करने की जो दवा बनाई जाती है उसमें भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, और जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप बच्चों उपयोग लिख दीजिएगा और साथ ही बनाने की विधि इस तरीके से लिख दीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, और आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पर भी देखिए नंबर को एक और एक दो अलग अंकों में डिवाइड किया गया है, तो यानी आपको आधुनिक आवर्त नियम के एक नंबर लिखे मिलेंगे और परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं उसके भी एक नंबर निर्धारित किए गए हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। बच्चों अगर हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त नियम की, तो हेडिंग डालिएगा आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। ये क्या कहलाता है, आपका आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न का उत्तर जो है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। अब इसके बाद पूछा गया है कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी के किसी आवर्त में, तो लिखिएगा आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, तो परमाणु त्रिज्या उसकी घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर घट जाती, यहां पर इसका सीधा सा आंसर देना है। दो नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही लिखना पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है IUPAC में नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो दिए गए हैं, दोनों को जो है एक एक नंबर निर्धारित किए हैं, एक नंबर इसका है एक नंबर इसका है। IUPAC पद्धति में आपको नाम लिखना है। आइए देखते हैं इसका किस तरीके से हमें IUPAC नाम लिखना है पहले का। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इसमें नामांकन करेंगे, क्रियात्मक समूह जिधर से जुड़ा होता है वहाँ से ही हम कार्बन को अंक देते हैं। तो यहाँ पर आपका एक हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा कार्बन हो गया। तो यहाँ पर जब हम इसका नाम लिखेंगे चौथे कार्बन पे ही आपके CH3 CH3 दो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4.4 डाइमिथाइल। ठीक है, दो बार है तो डाई मिथाइल 4.4 डाई मिथाइल, और इसके बाद कितने कार्बन का है, ये टोटल चैन जो आपकी कितने कार्बन की है बच्चों, पांच की है। तो पेंटेनोइक एसिड, COOH लगा है तो पेंटेनोइक एसिड या मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पे ही है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, पेंटेन 1-ओइक एसिड भी लिख सकते हैं या पेंटेनोइक एसिड लिख सकते हैं, 4-4 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक, या इसी ये पेंटेनोइक एसिड को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, पेंटेन 1-ओइक एसिड, ओइक अम्ल, पेंटेन 1-ओइक अम्ल या पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन में है ये बच्चों पेंटेनोइक एसिड लिखिए या पेंटेन 1-ओइक अम्ल, 4-4 डाइमिथाइल पेंटेन 1-ओइक अम्ल। तो इस प्रकार से बच्चों इसका हो गया IUPAC नाम। अब इसी तरीके से इसको भी लिखना है, यहाँ पर भी देखिए आप हम देखेंगे जहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा उस वहाँ से नामांकन करेंगे। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन और ये चार कार्बन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है चार कार्बन का हो गया। तो यहाँ दो नंबर पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो 2-क्लोरो। ठीक है, 2-क्लोरो और चार है तो ब्यूटेन
ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल, ओ एच लगा हुआ तो ऑल, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संक्षारण किसे कहते हैं और धातुओं की संक्षारण रोकने की दो विधियां लिखना है। तो यहाँ पर संक्षारण की परिभाषा लिखना है और यहाँ पर धातुओं में जो संक्षारण को किस तरीके से हम रोक सकते हैं उसकी दो विधियों के बारे में लिखना है। आइए देखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर संक्षारण की परिभाषा लिखनी है। तो संक्षारण है क्या? तो धातुएं जो है वो वायुमंडल की नमी जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2S जो है आदि गैसों से क्रिया करके अवांछनीय यौगिकों की अपने ऊपर जो है वो परत बना लेती हैं धातुएं जो होती हैं, जिससे धातुओं की सतह क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है और यह क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। तो इस प्रकार से आप संक्षारण लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना हो गया, तांबे के बर्तन जो है नीले और हरे हो जाना हो गया, सोने चांदी के गहने जो हैं वो काले हो जाना हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो गया, संक्षारण की डिफिनीशन हो गई। फिर यहाँ पर लिखा है उसको बचने के दो उपाय आपको लिखने, तो कोई भी दो आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए पेंट या वार्निश करने के द्वारा जो है हम कर सकते हैं, दूसरा तेल या ग्रीस लगा करके कर सकते हैं, तीसरा गैल्वनीकरण करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेंट या वार्निश करना यानी सबसे प्रचलित तरीका है, हम क्या करते हैं धातु की सतह पर पेंट कर देते हैं जिससे एक ऐसी परत बन जाती है जो संक्षारण प्रतिरोधी होती है। फिर तेल या ग्रीस लगा करके, तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों, धातु के नए उपकरणों पर तेल या ग्रीस की परत चढ़ा करके उन्हें संक्षारण से बचाया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा जो है गैल्वेनीकरण की क्रिया जो है, तो इसमें लोहे पर जस्ते की जो है, जिंक की जो है वो परत चढ़ा दी जाती है जो निरंतर वायुमंडल से क्रिया करता है और लोहा जो है उसमें सुरक्षित रहता है, लोहा हमारा बचा रहता है। तो इस प्रकार से संक्षारण हो गया, उसके एग्जाम्पल हो गए और संक्षारण से बचाने के उपाय हो गए। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। इसके बाद बच्चों जो छठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न हो गया बच्चों, आठवां प्रश्न जो है वहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। तीन यहाँ पर देखिए दी गई हैं, जिसमें से साबुन की सफाई की प्रक्रिया पर तीन नंबर है, जो कार्बनिक यौगिक है उसमें प्रतिस्थापन की अभिक्रिया को बताने के लिए दो नंबर का प्रश्न है, ये तीन नंबर का प्रश्न है और ये दो समझातीय श्रेणी जो है तीन नंबर का प्रश्न है, दो नंबर का प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न जो है आठवां प्रश्न जो आएगा बच्चों आपका वो सात नंबर का होगा। अब इस सात नंबर को कई भागों में डिवाइड करके प्रश्न होगा, तो यहाँ पर देखिए इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक समीकरण के लिए जो है प्रश्न आया है, तो यहाँ पर सबके एक एक नंबर दिए गए हैं, सात जो है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आया है। तो यहाँ पर हम इस वाले प्रश्न को हल कर लेते हैं, रासायनिक समीकरण को, ये जो है आप क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा अपने आप। और यहाँ पर देखते हैं एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए एथेनॉल जो है यहाँ पर हो गया एथेनॉल का फार्मूला, सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर जो है ये सोडियम के साथ जो है अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार से इसका समीकरण आप लिख लीजिएगा, समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। और दूसरा इसका दिया गया है बच्चों, जो दूसरा है यहाँ पर एथिल एल्कोहल को जो है वो 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म किया जाता है तो उस अभिक्रिया को बताना है। और साथ ही मीथेन को वायु में जब जलाया जा रहा है उसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है आपको। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर सेकंड नंबर का बच्चों इस तरीके से आपको समीकरण लिखना है, इथेनॉल को जो है 443 केल्विन ताप पर जो है जब हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थित में का जब उसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, एथेन बन जाएगा हमारा और पानी जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है जो तीसरा समीकरण था मीथेन गैस के लिए, तो यहाँ पर देखिए या ऑक्सीजन के साथ में जब अभिक्रिया करेगी तो ये टूट जाएगी, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, पानी में, और उससे एनर्जी और लाइट जो है वो निकलेगा। तो यहाँ पर तीसरा समीकरण भी आपने देख लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों चौथा है आपका एथेनोइक अम्ल जो है वो एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है, उसके समीकरण को लिखना है। इस प्रकार से इसका समीकरण बनेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए ये इसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन पानी बन रहा है बच्चों, ठीक है, और CH3COOC2H5 बन रहा है। तो यहाँ पर जो है समीकरण के रूप में आप इस तरीके से लिखिएगा। इसके बाद पाँचवा प्रश्न है बच्चों, इसी का पांचवा जो दिया गया है वो एथेनॉइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करता है, तो एथेनॉइक अम्ल किस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ देखिए एथेनॉइक अम्ल जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका बनेगा और CO2 गैस और H2O निकलेगी जो कि आपका एथोनेट सोडियम जो है सोडियम
और क्या एथोनेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये समीकरण आपको लिखना है इसी तरीके से लिखिएगा। नेक्स्ट जो है प्रश्न आपका, नेक्स्ट बच्चों है आपका ये एथेनॉइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्रिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा एथेनॉइक अम्ल, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एथेनॉइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जो हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर CH3COONa+H2O+CO2 यही बनेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर पाँचवा और छठवां जो है वो लगभग लगभग एक ही तरीके के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बन गया आपका। फिर उसके बाद में लास्ट प्रश्न बचा हुआ है आपका। अब यहाँ पर लास्ट जो दिया गया है वो एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल का जो है वो KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण को हम किस तरीके से समीकरण के रूप में लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से लास्ट वाला समीकरण आपका लिखा जाएगा, यहाँ पर CH3COOH जो है वो बनेगा। तो इस प्रकार से हमने सातों जो है जो समीकरण लिखने के लिए आए हैं रासायनिक समीकरण, तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। इसमें अगर आपने सही सही लिखा बच्चों तो पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे, इसमें एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने इसका केमिस्ट्री का पेपर जो है पूरा हल कर लिया है। सारे प्रश्न बच्चों अच्छे से ध्यान से जो है याद कर लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम बायोलॉजी के पेपर को भी, इसका जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उसको भी हम हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।